दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है, ये दूल्हा है, ये दुल्हन है। एंड यहाँ पे शादी होगी। अब ढपला वाले आ गए हैं, ढोल वाले। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज है बारात का दिन एंड बारात निकलने की हो रही है यहाँ पे तैयारियाँ। सो सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड थोड़ी देर बाद बारात निकलेगी। बारात निकलने से पहले हमारे यहाँ क्या होता है, जो दुल्हन के लिए चढ़ावा लेके जाते हैं ना, उस सामान को ना सब लोग चेक करते हैं एंड देखते हैं, सबको चढ़ाया दिखाया जाता है एंड उसके बाद फिर बैग में पैक करके रखते हैं। सो इसमें मतलब देखा जाता है किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, या जो भी सामान रहता है ना तो उसको देखते हैं सब लोग की क्या क्या है क्या नहीं है। सो यहाँ पे मम्मी देते जा रही हैं एंड सब लोग देख के फिर उसको बैग में पैक करके फिर रखेंगे एंड उसके बाद फिर दूल्हे को रेडी किया जाता है। तो वो थोड़ी देर बाद आप लोगों को ब्लॉग में आगे बने रहिए, सो देखने को मिल जाएगा। एंड दूल्हा निकलने के बाद हमारे यहाँ क्या क्या नेग होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में मिलेंगी देखने के लिए। एंड गाइस, इस ब्लॉग को पूरा आप लोग एंड तक देखना, तब आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉमेडी है, बहुत सारा फन है एंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। सो गाइस, इस ब्लॉग को एंड तक देखना एंड ढेर सारा अपना प्यार देना एंड ब्लॉग में बने रहिए एंड तक। सो ये देखिए, हमारे दूल्हे राजा रेडी हो रहे हैं, बारात निकलेगी अब। इससे पहले मतलब तैयार होने के बाद मंदिर जाएंगे एंड उसके बाद फिर बारात निकलेगी। तो सारे लोग बैठे हुए हैं दूल्हे को देखने के लिए, कैसे तैयार हो रहा है दूल्हा। एंड ये देखिए हमारे कैसे कैसे दूल्हे को तैयार करते हैं। ये रेड कपड़े में कुछ बांध दिया है, उसको पहना देते हैं। ये माला वाला पहन के लगोगे दूल्हे कैसे, हाथ से ज्यादा सी खुशबू आए। इधर यहाँ लगा देना और पीछे को, पीछे को ना सही लगा, नजर न लग जाए दूल्हे को, ताजा लग, बस हो गया पैसा ना देने। बस बस दवा नहीं जाना, अपने से दे रहा थी माइक से, अपने से दो कम बड़े हैं, काले बड़ बड़े ऐसे इतने दूर से। मुंह तो निकालो फिर क्या मतलब। सही है, भाभी को नेक मिल गया है। ऐसे इसमें राई और आटा रहता है, इससे नजर उतारते हैं। ये देखो हमारे घर में क्या हो रहा है, बारात जाने के बाद हो रही है गौरैया, नहीं है पता नहीं क्या कर रही है, दोनों बैठ के गौरैया हो रही है मंडप के नीचे। ये नानी पता नहीं कुछ करेंगी यहाँ पे, देखो आग जलाई हुई है, कुछ कुछ सामान रखा हुआ है। क्या हुआ बेटू, पता है क्या हो रहा है, ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, शादी हो रही है इधर है भाज। चाचू वहाँ शादी करने गए, इधर ये शादी कर रहे हैं है? नहीं वो देखो क्या कर रही है, अंदर देखो जरा झांक के, अंदर देखो झांक के क्या कर रहे हैं वो पर्दे के पीछे। ये दोनों बंधे हुए हैं, करते हैं ये बेलन से,
ये बेलन से पता नहीं क्या करने वाले हैं, भावरे भावरे मतलब क्या फेरे लेने वाले हैं, है ना। अब यहाँ पे होगी शादी, ये लोग भावरे पड़ेंगे जो भी पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, एंड यहाँ पे शादी होगी। अब ये दूल्हा दुल्हन बैठे हुए हैं। ये ढोल वाले आ गए। ये देखो यहाँ पे ऐसे होती है गांव में शादियाँ, फुल मजे। ये देखो यहाँ शादी हो रही है। मामी साइडो, मामी साइडो आ गा रही। कितना, पांच फेरी ली जाती है, पांच फेरी ली जाती है मामी साहब। सो यहाँ पे फेरी लग रही है, सात लेडीज फेरी दे रही है। देखो दूल्हा दुल्हन को फेरी दे रहे हैं। ये दुल्हन है, वो दूल्हा है ना, दुल्हन को चूड़ी पहना रहे हैं। शादी हो गई, भावरे पड़ गई हैं। दूल्हा दुल्हन अभी भी मुंह छुपाए बैठे हुए हैं। अच्छा ये क्या है? ओ माय गॉड, ये दाएजो, ये दाएजो है, दाएजो मतलब ये बर्तन भाड़े हैं। ये यहाँ से जा रहा है, इधर 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 जा रहा है, ये देखो इधर आएगा। पलंग नहीं मिला मामी को दहेज में। ये मामी पता नहीं क्या बांट रही, मामी क्या बांट रही, ये क्या है, ये क्या? हाँ बताओ कहाँ
ये पता नहीं क्या है, मामी ने आटा दिया है। आटा दिया है, अच्छा ये कुछ ये कुछ बोलेंगे, इनके संग में बोलना है। ये दूल्हा दुल्हन उठ गए हैं, ये देखो ये जा रहा है दोनों दूल्हा दुल्हन। ये देखो हमारे दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठे हुए हैं। दूल्हा कौन है, दुल्हन कौन है? ये दूल्हा है, दुल्हा। ये दूल्हा है, ये दुल्हन है। एंड अभी बात नहीं कर सकते थे ना बीच में, जब शादी होती है जब ये लोग दोनों मंडप के नीचे बैठे होते तब ये दोनों बात नहीं कर रहे थे एक दूसरे से। अब इनकी शादी हो गई है, क्या लेके आए हो? चावल, सगुन लेके आए हो? ये हमारी गौरैया है, सवा सा है। ये गठजोड़ा है, सवा सा है छोड़ेंगे, मतलब मम्मी है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब खाना मिलेगा? अच्छा उपवास रहता है ना उस दिन, सही है। दहेज ये लो, ये आपका दहेज, आपको मुबारक हो। हमें नहीं चाहिए आपका दहेज, आप अपने पास रखो, आपके बेटे का दहेज है। जल्दी दो। क्या देते हैं? जो क्या दे क्या? अच्छा हमारे हस्बैंड तो बारात में गए, ये लो कौन, प्रमोद बारात में गए। सही सो यहाँ पे हो गया है गौरैया का प्रोग्राम खत्म। खत्म मतलब कि इन लोगों का जो भी फास्ट फास्ट था एंड मंडप के नीचे का जो भी प्रोग्राम था वो हो गया है। एंड अभी आगे क्या चलेगा ब्लॉग में बने रहिए। बाकी सब लोग बाहर मस्ती कर रहे हैं एंड वो लोग, उन लोगों को फास्ट था तो वो लोग खाना खा रहे हैं। बैठे हुए हैं बाहर अंधेरे में बैठे हुए हैं क्योंकि गाँव में इतनी अच्छी लाइट नहीं रहती कि सबको क्लियर क्लियर दिख सके मोबाइल। ये देखो शादी हो गई है, शादी हो गई है, नानी बांट रही है बतेसा। ऑटोमेटिक मशीन है वो। हाँ दे दिया हमने, सच्ची में दे दिया हमें, वो बारात में गए हमने बोल दिया है।